नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की डायरेक्टर रही, एक वाइफ रही, लेकिन क्या आप यकीन कर पाएंगे कि उसने 103 लोगों का कत्ल किया होगा। इसके पूरे सिलसिले में इसे जेल की सज़ा भी मिली थी, जिसके बाद हाई कोर्ट में अपील भी किया गया, फिर सज़ा को कम किया गया, लेकिन जो इसके पीछे की जो वजह थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। ये महिला एक पत्नी है, विक्टिम्स इसके 85 से लेके 170 तक रहे, लेकिन जो जनरल एस्टिमेशन रहा जितने लोगों को इसने मारा वो 103 रहा। किसी भी दूसरे सीरियल किलर से सबसे हाई डेथ टोल इस महिला का रहा है उस देश में जहाँ की हम बात कर रहे हैं। सीरियल किलर ने बच्चों के कत्ल किए थे, ऐसे पूरी रिपोर्ट जब सामने आई, जब पढ़ा गया तो उसमें कई तरह की चीज़ें सामने आई जिसमें ये बताया गया। इस महिला का नाम मियुकी इशिकावा है, इसका जन्म टोक्यो में हुआ था। जब इसने एक इशिकावा नाम के शख्स से शादी की तो उसके बाद दोनों साथ में रहने लगे और फिर ये एक हॉस्पिटल की डायरेक्टर बन जाती है, लेकिन दोनों के कभी बच्चे नहीं हो पाए। अब ये मैटरनिटी हॉस्पिटल की डायरेक्टर बनती है जहाँ पर प्रेग्नेंट महिलाएं आती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, उनका ख्याल रखा जाता है, एनिवर्सरीज होती हैं। अब ये एक मिडवाइफ भी रही थी वहाँ पे, इसका एक्सपीरियंस था मिडवाइफ का, जो ज़्यादातर डील करते हैं प्रेगनेंसी में और चाइल्ड बर्थ में, इस तरीके का एक्सपीरियंस इस महिला के पास रहा था और फिर उसी दौरान ये उस हॉस्पिटल की डायरेक्टर भी बन गई थी। अब इस हॉस्पिटल में कई बच्चों के माँ बाप जो आते थे, जो अपना इलाज कराने आते थे, बच्चों की डिलीवरी कराने आते थे, वो काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार से थे, यानी कि इतने गरीब कि उनके लिए बच्चों का पालन पोषण करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि बच्चों की दवाई, बच्चों का खाना पीना और तमाम तरीके की चीज़ें जब एक बच्चा पैदा होता है तो इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इन माता पिता के पास वो तक की पैसे नहीं थे। इसी चीज़ का जो मुद्दा था वो इस हॉस्पिटल में उठा था। अब इस हॉस्पिटल में पालन पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा था बच्चों का। यहाँ पर अब इस सीरियल किलर की कहानी शुरू होती है। जो ये माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए नहीं संभाल पाते और चाहते हैं कि वो बच्चा उन्हें अपने साथ ना ले जाना पड़े, तो इसके लिए इस महिला ने इन बच्चों का पालन पोषण करना बंद कर दिया था। सीधे तौर पर कहा जाए तो एक हॉस्पिटल है, मेटर्निटी हॉस्पिटल है, जहाँ पर बच्चे डिलीवर किए जा रहे हैं, उनकी माँ को भी रखा जा रहा है और उनके बच्चों को भी रखा जा रहा है। अब इस सीरियल किलर ने क्या किया कि उन बच्चों को जब उस टाइम पर जब पैदा होते हैं तो कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो पालन पोषण देना उसने बंद कर दिया। जो हॉस्पिटल में उस वक्त में, जैसे कि कहते हैं दाई माँ होती है, जब उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी जो नर्सेस थी, उनको भी इसके इंस्ट्रक्शंस थे कि किसी भी बच्चे का ख्याल ना रखा जाए, उसको कुछ भी दूध ना दिया जाए, तमाम तरीके की फैसिलिटीज़ बच्चों की बंद कर दी गई, जिसके बाद देखा ये गया कि बच्चे लगातार वहाँ पर अब उनकी सांसें थमने लगी थी। इसके बाद जो माँ बाप थे जो ये चाहते थे कि उनके पास पैसे नहीं हैं तो उन्हें बच्चे घर ना ले जाने पड़े, तो उनकी भी सहमति इसमें थी। अब इसी के साथ इस महिला ने, सीरियल किलर ने अपने पति को भी इसी बिज़नेस में शामिल किया। अब इस दोनों ने इस धंधे को काफ़ी आगे तक कैरी फॉरवर्ड किया। अब इसमें इन्होंने किया क्या, वो ये कि इन माँ बाप को टारगेट किया जाता था, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, जो गरीब थे उन्हें टारगेट किया गया, उनसे कुछ अमाउंट की फ़ीस ली गई। वो फीस इसलिए ताकि वो उनके बच्चे को जिसने नया जन्म लिया है उसे ख़त्म कर सके। वो ये दलील देते थे उन माँ बाप को कि ये फ़ीस बहुत मामूली सी फ़ीस है कंपेरेटिवली जो आप एक बच्चे के पालन पोषण पर खर्च करेंगे, यानी कि आपका पैसा बच जाएगा अगर आप ये छोटा अमाउंट हमें देंगे तो इस बच्चे का नामोनिशान मिटा दिया जाएगा और आपको इसका पालन पोषण नहीं करना पड़ेगा। तो उधर माँ बाप भी खुश और ये सीरियल किलर भी खुश। इनकी मानसिकता ये थी कि ये पैसे कमा लेंगे, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया था, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ थी कि शायद इनके बच्चे खुद के नहीं हैं तो ये दूसरे बच्चों को नहीं देख पाते थे। अब इसी वजह से कई बच्चे मारे गए। 103 बच्चों को ये आरोप इस महिला पे है कि उनकी सांसें इस महिला ने रोक दी। वहाँ काम करने वाली जो नर्सेस थी वो ये नहीं देख पाई, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी। और बहुत ऑब्वियस सी बात है, जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में आप लोगों की जान बचाने के लिए मौजूद हैं, जब आप कसम खाते हैं कि आप लोगों की जान बचाएंगे, लेकिन आप जब आप आँखों से देख रहे हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस ये दिए जा रहे हैं कि आपको किसी भी बच्चे की जान नहीं बचानी है, तो ये बहुत मुश्किल वाली बात थी। इसके बाद इन तमाम महिलाओं ने उस हॉस्पिटल से इस्तीफ़ा दे दिया और फिर ये धंधा बन गया।
पति पत्नी ने माँ बाप से बच्चों को ख़त्म करने के लिए पैसे लिए और उन्हें वो दलील दी कि आपको पालन पोषण नहीं करना पड़ेगा। इन बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट भी बनाए जाने लगे, फेक डेथ सर्टिफिकेट इस सीरियल किलर के पति ने बनवाए, जिसके बाद हॉस्पिटल ने भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ये धंधा लगातार चलता रहा। इससे पहले भी जापान में कई ऐसे कांड देखने को मिले हैं, क्योंकि जो परिवार बच्चों को नहीं पाल पाते हैं तो ये तमाम तरीके के केसेस पहले भी देखने को मिले थे। उस वक्त कुछ नहीं किया गया था क्योंकि कोई भी सबूत ना मिलने के कारण, या फिर यूँ कहें कि जो इंटरनल करप्शन होता है उस वजह से भी ये मुद्दा सामने नहीं आ पाया। सामने आया भी तो इसे रफा दफा कर दिया गया। अब इसका खुलासा कैसे हुआ? पुलिस को अचानक से 12 जनवरी को 1948 को बच्चों के अवशेष मिले, एक जगह से ये अवशेष पाए गए। फिर जब उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पोस्टमार्टम में साबित हुआ कि ये डेथ नेचुरल नहीं थी, यानी कि इनका कत्ल किया गया है। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। जब सारे तफ्तीश की गई तो इन दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने कहा कि उनके माँ बाप इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो उन्हें पैसे देते थे इनका कत्ल करने के लिए। 30 शव एक प्रार्थना स्थल से बरामद किए गए, 40 शव एक और दूसरी जगह से बरामद किए गए। कोर्ट ने इसे हत्याओं की चूक का अपराध माना और इसके बाद इशिकावा को 8 साल की सज़ा दी गई, वहीं इसके पति को भी 4 साल की सज़ा दी गई। इसके बाद कपल ने हाई कोर्ट में अपील की, जहां पर इनकी सज़ा को कम कर दिया गया। इशिकावा की सज़ा 8 से 4 साल कर दी गई और उसके पति की सज़ा 4 से 2 साल कर दी गई। इसके बाद जापान में अबॉर्शन फॉर इकोनॉमिक रीजंस को लीगलाइज कर दिया गया था, क्योंकि कई ऐसे गरीब परिवार थे जो बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते थे और इसी वजह से बहुत से केसेस सामने आते थे। और जब गवर्नमेंट ने इसका जायज़ा लिया, सारी चीज़ें तमाम देखी गई, तब अबॉर्शन फॉर इकोनॉमिक रीजंस को लीगलाइज कर दिया गया। तो इस महिला ने, जो एक हॉस्पिटल की डायरेक्टर थी जहाँ पर इसका ये इसका एक्सपीरियंस भी था मिडवाइफ का, जहाँ पर इसे बच्चों को बचाना था, लोगों को बचाना था, वहाँ पर इसने उनकी जान लेने का फैसला लिया। उसके बदले में पैसे भी लेती थी, तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहें कि ह्यूमैनिटी हर स्तर से ख़त्म हो चुकी थी। तो ये थी इशिकावा की कहानी, जो टोक्यो से मैंने आपको बताई है। उसके बाद जापान में ये तमाम तरह के लीगल लॉज भी लेकर आए ताकि थोड़ी स्थिरता बनी रहे। अगर आप ऐसा कोई नाम जानते हैं, ऐसी कोई कहानी आप जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी हो वो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।